हमारे खुद किया दर्शन के आदित्य मोहन को प्रणाम। का महल भाई महल ना दारू का अड्डा रहे, दारू का फैक्ट्री रहे, दारू का बिहार के काफी अच्छे लोकेशन पर हम लोग शूट कर रहे हैं गोपालगंज में, सिवान गोपालगंज के बीच में, और काफी अच्छी फिल्म है। भोजपुरी में अलग कॉन्सेप्ट आ हुआ था, एक अलग मसाला फिल्म आ था, फुल ऑफ कॉमेडी, दूल्हा तैयार दुल्हन लोग फरार, रुस्तम अली चिश्ती जिसके निर्माता और निर्देशक दोनों हैं, काफी अच्छे मित्र हैं। एज ए निर्देशक तो काफी फिल्म पहले, एज ए निर्माता उनका पहला फिल्म था, तो ढेर सारा शुभकामना वो हम करते। और काफी अच्छी कास्टिंग है, मैं हूँ, मेरे साथ दो दो खूबसूरत अभिनेत्रियाँ हैं, कनक यादव जी, प्रीति मौर्य जी, और सुमित हैं, सुमित चंद्रवंशी जी, राजीव रसिया जी हैं, आर के गोस्वामी जी हैं, लोका तिवारी जी हैं, सिक्की भट्ट जी हैं। काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है, फुल लव ऑडियंस के मजा आया। अब इसमें दुल्हन फरार, तो कौन दुल्हन फरार होती है बताना चाहेंगे? सब भाग जाता है सब। एक गोड़ी देखी बच्चे सुन रहे ऐसा लोग रहे के चाहिए, खुद तो जैबे करता रही इनको लेके जाता है। चलो कनक जी, आपका कैसा है? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं हमेशा से अलग हटकर काम करती हूँ, और इस फिल्म को चुनने का रीज़न यही था कि ये कॉमेडी थी, और अभी तक मैंने कॉमेडी नहीं किया है। मैं मोस्टली हर तरह का किरदार कर चुकी हूँ, और अभी बहुत सारे किरदार करने बाकी हैं। तो इसका चूज करने का दूल्हा तैयार दूल्हा फरार करने का रीज़न ये था कि कॉमेडी था, और एक नया किस्म का स्टाइल जो अपनाया जा रहा था रियल लोकेशन में, और जैसे अभी आप देख भी रहे हो, तो एक फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग क्लाइमेक्स का शूट कर रहे हैं, बट भगवान जी बहुत ज्यादा मेहरबान है, और बारिश पे ना एकदम हालत बुरी कर रखी है हम लोगों की। मैं अंदर तो बुरी है, जैसे लोग कॉस्ट्यूम पहने और बारिश हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब कुछ गाना शूट कर रहे हैं। और यूनिट अच्छी है, लोग अच्छे हैं, और आदित्य जी के साथ में पहली बार काम किया है, हमेशा से अच्छे हुआ तो हो तो इसकी पहली, और कॉपरेशन बहुत अच्छा है। एक कलाकार के लिए क्या अच्छा नहीं लगता है कि जब उन लोगों का जो मैचिंग हो वो लोगों को अच्छा लगे। तो मैं आदित्य जी की अपोजिट हूँ, इसमें तीन पेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छे यूनिक कैरेक्टर हैं, जैसे प्रीति जी सुमित चंद्र जी के अपोजिट हैं, और दूसरे जो हैं सोनाली जी हैं, अनुष्का जी हैं, उनके अपोजिट राजीव रसिया और दीपक हैं। तो एक आपने देखा वो धमाल टाइप फिल्म या हंगामा या इस टाइप, वो आपको फ्लेवर मिलने वाला है। बाकी सस्पेंस आपको देखने में पता चलेगा, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। जो दुल्हन फरार होती है वो आप हैं या दुल्हन फरार करवाने वाली हैं? यही लोगों का सस्पेंस है, इस फिल्म में भी यही सस्पेंस है कि आखिर में कौन फरार हो रहा है, और किसी की वजह से सारा कांड हुआ है। तो ये पूरा एक सस्पेंस है, क्योंकि सारे के सारे फरार होते, पर रीजन कौन है, मेन रीजन कौन है, वो आपको देखने वाला। प्रीति, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। हम लोग यहाँ गोपालगंज में शूट कर रहे हैं, हमारी फिल्म का नाम है दुल्हा तैयार दुल्हन फरार। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब लड़कियाँ तो बहुत चापर टाइप की है, लड़के बड़े सीधे साधे भोले भाले से हैं, और यही रीजन है ये फिल्म चूज करने का, क्योंकि मैंने भी अभी तक मतलब कॉमेडी फिल्म नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम मुझे मतलब रिसेंट जो है कॉन्सेप्ट सुनाया, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगा कि चलो ठीक है, किसको अलग करने का मौका मिलेगा। देखिए मेरी इशारेबाजी चालू हो गई है, मुझे लग रहा है कि मैं कॉपी करके बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। इनको पता है रुस्तम जी कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैंने ऐसा कॉमेडी फिल्म नहीं किया है, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, तो इसलिए अभी तो मैंने ऐसा कुछ मजा आ रहा है। ऐसी चीजें अच्छी से चालू जो है हम लोग की शूटिंग का शूटिंग चालू नहीं पाई है, हमारी क्योंकि बारिश हो रही है। फिल्म के डायरेक्टर साहब की बात की जाए, सुनने में उनके होम प्रोडक्शन फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी फेवरेट हीरोइन है, उनकी सारी फिल्मों में यही होती है। ये समझिए कि यही प्रोड्यूसर है, हम लोग पैकअप के बाद इनसे ही पेमेंट लेने वाले हैं। ये और सुमित चंद्रवंशी, ये दो फेवरेट हीरो हैं। इतनी कूल डाउन है कि कोई भी सिचुएशन चल रही है ना, तो मुझे आवाज नहीं, प्रोड्यूसर को मुझे आवाज नहीं निकलती, प्रोड्यूसर कौन हो सकते हैं।
और आपके हीरो हर फिल्म में सुमित चंद्रवंशी जी क्या क्या तहलका है क्या जोड़ी उसके आगे नहीं बोलूं तो जोड़ी किसके साथ मिली है आपकी अभी मतलब आदित्य जी के साथ मेरी एक या दो फिल्म है मेरी और हमने सुमित जी के साथ मेरी चार नहीं मिलेगा उन्होंने आठ बताया हो सकता है आने वाली फिल्मों के बारे में पता हो सकता है चार कहने पड़ी है चार और ही आगे लाइन अप हुई आप लोग घूमिए क्या पहले से आपके लिए हमारे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे बरसात का सीजन चल रहा है मोस्टली कोई भी फिल्म बरसात में शूट नहीं होती है और ये बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर रिस्क ले रहा है इस सीजन में जो शूट करने का और हमारे क्योंकि इसमें कुदरत भी साथ नहीं देती है चीजें भी नहीं आती है उसके बाद रिस्क लेके शूट करना और बहुत ही प्यारा माहौल है यहाँ पे और क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि स्टूडियोज वगैरह इसमें वो फिक्स नहीं होता इसीलिए उन्होंने ये रियल और बिहार में शूटिंग हो रही है जो बहुत कम होती है ज्यादातर यूपी में शूटिंग होती है या मुंबई या दिल्ली में शूटिंग होती है तो ये कुछ मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस है रिलीज बिहार में होती है शूटिंग बाहर क्योंकि मैं बिहार से प्रमोशन के लिए आई हूँ मैं कभी शूटिंग के लिए बिहार नहीं आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बिहार शूटिंग के लिए आई हूँ और जैसा सुना था उससे काफी अच्छे लोग हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप सुनते हैं वो मित्र है लोग बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत आपका ख्याल रखो और साथ में हमारे जुड़ चुके हैं हमारे प्रीति मौर्या जी के हीरो आठ फिल्मों के हीरो आठ फिल्मों के हीरो पहले क्लियर कर रही है कि चार फिल्म ये बोली आठ फिल्म बोले नमस्ते प्रणाम और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं फिल्म का नाम है दुल्हा तैयार दुल्हन खड़ा अब बेचारी को तैयार करके सब लोग भाग जा रहे हैं हम लोग क्या करेंगे जो करेंगे वो लोग आप लोग को देखने को मिलेगा बाकी राम जी आप जो भी हैं देख सकते हैं जी आपकी और प्रीति जी की जोड़ी की चर्चा सरेआम हो रही है क्या खास वजह है कुछ खास कुछ है ही नहीं सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग करवाते हैं हम लोग को खुद ही पता नहीं रहता है कहते हैं कि बड़े हीरो के रास्ते पे आप भी चल रहे जोड़ी बना के बिल्कुल ये सच है सत्य वचन जी क्या करना चाहेंगे हम कुछ हम उसमें कहना ही नहीं चाहेंगे आप ये सब ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर एकदम कुछ नहीं डायरेक्ट टोन मारिए उनसे पूछिए आप दोनों के साथ मारे इसके पहले एक फिल्म किया दूल्हा दुल्हन आदर्श जैन जी और भी काफी कॉमेडी फिल्म उस फिल्म में मैंने इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की मैं इनको लेके आया अपने साथ पर फिर ये मैडम पता नहीं इनको क्या हुआ फिर चली गई ऐसा क्या ऐसा कौन सा चुंबक चुंबक नहीं हो सकता है कि आप पसंद नहीं आए हैं मतलब कहने मतलब कि प्रीति जी को आप पसंद आते हैं हाँ ये सरेआम ये कहे के चाहता है संकट में डाल रहे हैं चर्चाएं कर दिया आपने तो ये गलत बात है चर्चाएं आप मत करिए चलिए एक बड़े किंग का है ये भी जरूरी है बार बार चेंज करना भी तो अच्छा नहीं है रियल लाइफ में जाइए चेंज करके देखिए तो खुद पता चलेगा एक ही को झेलना मुश्किल है ये सोचते हैं कि रियल लाइफ में भी एक ही को झेलते रहे तो सुमित जी शुभ समाचार कब सुना रहे हैं शुभ समाचार का सुना अच्छा बंधन के ट्रेलर आने वाला है क्योंकि आपका फोटो बड़ा वायरल हुआ तो आगे क्या हुआ तो शुभ समाचार का जो पोस्टर आया था उम्मीद है को शुभ समाचार हुआ क्या आगे मतलब वो होगा जब दुल्हन फरार होगी तो डिलीवरी कहाँ से होगी जी आप बताइए आप क्या चाहिए आपको बस शुभ समाचार जी शुभ समाचार बताइए लड्डू कहाँ है क्या लड्डू दिवाली के दिन खिलाएंगे अच्छा रक्षाबंधन के लिए नहीं 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 रक्षाबंधन रिपोर्टर हमसे बहुत सवाल पूछते हैं आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अगर हमारे सेट पे आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है हम लोग कैसे लग रहे हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग अच्छे लग रहे हैं और ये भी सच्चे दिल से सही सही बताइए बोलना नहीं है बताइए प्रीति मौर्य जी जब भी मैं सुनने कर रही हूँ मैं इससे पूछना चाहूँगा ये कभी शुभ समाचार करती है कभी मेरे साथ दूल्हा दुल्हन करती है कभी दूल्हा तैयार दुल्हन फरार करती है
क्या बधाइयों वाली न्यूज का क्या है ना, मुझे शादी में बड़ा इंटरेस्ट है और क्या शादी से भागने में ज्यादा मजा आता है, तो शादी करो भाग जाओ। शादी से पहले शुभ समाचार दो, सब एक अलग ऐसा डिफरेंट करो लोगों से। तो अपने ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को यही कहेंगे कि हमारे फिल्मों को प्यार दे, जैसे हमारे गाने वाने को देते रहते हैं हमेशा। आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए हम सबको। ये आप लोग के आशीर्वाद के ऐसे काफी सारी फिल्में भी रिलीज पे हैं और दूल्हा दुल्हन आएगी, तकरार का ट्रेलर आएगा, तुलसी दुल्हन सनैया, और उन सबके साथ साथ ये भी एक फिल्म आ रही है दूल्हा तैयार दुल्हन फरार। ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे, मेरे इस खूबसूरत खूबसूरत हीरोइनों को और उस हमारे हीरो को भी। कमेंट यहां हो रहा था कहीं और हो गया, मतलब खुद फिक्स नहीं है। नहीं, हम सुमित सिंह चंद्रवंशी थोड़ी है कि फिक्स हो जाएंगे। हमारे नाम में मोहन लगा जी। हमारे सारे फिल्मों के डायरेक्टर एक ही है, इनके एक ही डायरेक्टर थोड़ी करते हैं रिपीट। मतलब इनके कहने का मतलब जो हमारे डायरेक्टर है वो इस जोड़ी को हिट कर दिए हैं, वो इस जोड़ी को बोलिए चिश्ती पर एकदम मुकदमा करवाइए। ऐसा क्या है कि वो इस हीरोइन को छोड़ते नहीं है फिल्म में, जब जब वो हमको लेते हैं तब तब हीरोइन यही बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। तो कहीं अंदर से आप घूस तो नहीं देते हैं कि नहीं? एक बात तो है कि सुमित बाबू हम लोग को इससे काफी मिठाइयाँ खिला रहे हैं, अब उसके पीछे राज क्या है? अगली फिल्म में फिर फिक्स। फिक्स। अरे आगे चार पिक्चर और साथ में ही है, टेंशन तो यही है। सबसे बात फेविकोल का जोड़ है जो टूटेगा नहीं। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी जिस तरीके से आप इस इंटरव्यू में मजा ले रहे हैं और जब ये फिल्म आप लोगों के सामने आएगी तो इससे डबल एंड डबल मजा आपको आने वाला है। तो आप जो हम जितना मजा कर रहे हैं सेट पे ये आपको तो फिल्म में भी दिखाई देगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और दिखा दीजिए हमारे भाई लोगों को, ये देखिए हमारे भाई लोग हैं सुमान जिला में, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और ये बारिश का माहौल देख लीजिए, बारिश दिया है भैया।